कैसे हैं आप लोग? गुड टू सी ऑल। मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि मैं आज काफी दिनों बाद नहाया हूँ। थैंक यू। क्योंकि 3-4 मिनट तक आप ये देख रहे हो कि बंदा दिखता कैसे है। यूट्यूब पे देखा है हमने इसको, वैसे देखा है, पता नहीं कैसा दिखता है। ये लाइव शो में बड़ा होता है यार, लाइव शो में बड़ा होता है यार ये चीजें कि ना, लाइव शो में आदमी शुरू से पहले 2 मिनट तक देखता रहता है। मुझे लगता है फैन मूवमेंट होगा। नहीं नहीं, वो देख रहा होता है कि इसको फॉलो करने आया था मैं। ऐसा हो चुका है। बट गुड टू हैव यू ऑल यार, काफी काफी अच्छे अच्छे लोग। मैं किसी को भी नहीं जानता, सिर्फ विक्रांत जी हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। विक्रांत जी मेरे बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू। ये सुबह 4 बजे से दारू पीते हैं और रात तक पीते हैं, ये बहुत ही बेस्ट चीज है। मुझे पता है कि आप में से काफी लोग इनके पीछे जो आप देख रहे हो, उनका जो बार बना है उसको देख के चौंक रहे होंगे कि क्या है ये बंदा। इसे कहते हैं अंधा पैसा। समझ रहे हो, ये होता है भगवान की। जैक डेनियल तो ऐसे पड़ी हुई पीछे, जैक डेनियल। हमारी तरह नहीं है गरीब, जिसने बोतल के अंदर फूल उगाए हुए हैं, मनी प्लांट लगाया हुआ है, वो नहीं है, अमीर आदमी है। रहने भाई, रहने, रहने भाई। बट नहीं, बट इनसे मेरी मुलाकात हमेशा ज़ूम शो पे हुई थी। मैं और मोहित एक बार लास्ट टाइम लास्ट शो कर रहे थे और विक्रांत जी हमारे शो में आए और बहुत मजा आया। मतलब मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट शोज है विक्रांत जी, बहुत वन ऑफ द बेस्ट शोज था वो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो वो है, तो अभी आज आप सब लोगों के साथ वही बातें करेंगे। बट सबसे बढ़िया पार्था जी है। पार्था जी अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए आराम से। इनका ये 12वां बैकग्राउंड है, देख रहे हो आप। ऐसा नहीं, ये काली इसका स्क्रम मास्टर का जॉब है ना, ये सब करने का इसका आदत है। सो वी हम लोग हर रोज यूज करते हैं जूम को ऑफिस में, सो वर्चुअल बैकग्राउंड हम लोग हमेशा लगा के रखते हैं घर से बात नहीं, नेचुरल बात है। और जब हमने ने पूछा कि आपका बैकग्राउंड, मोहित ने बड़े प्यार से पूछा कि आपका बैकग्राउंड ऐसा क्यों है, तो मैं रोज जूम पे रहता हूँ, तो आप जूम के प्रेसिडेंट बन जाओ ना, फिर आप जूम पे जॉब ही कर लो जूम के अंदर। आपको हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प, रियली। नहीं नहीं, मुझे ऐसे बैकग्राउंड तो नहीं चाहिए जिसके अंदर मैं उस झरने से कूद जाऊं। अगर आप झरना दिख रहा हो पीछे, कूद जाऊं मैं उससे। रिधि ने देखो, रिधि ने दीवार पे टेडी बियर लगाया है ताकि हंस के मार पाए। भाई को मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगा था कि दीवार पे आपने इसलिए रखा है कि जब हंस के दीवार पे सर मारोगी तो बचा रहेगा सर। बैठा है वो आराम कर रहा है बच्चा। क्या नाम है उसका? नाम नहीं रखी हूँ, बहुत सारे तो क्या ऐसा अच्छा नहीं लगता ना उनको। आप आर्चीज में काम करती हैं क्या? नहीं, प्यार बहुत है। मैं खुद भी टेडी बेयर जैसी हूँ ना, तो सब मोटे एक ही घर के अंदर अच्छा लगता है। काफी सही है, मतलब ये इसे इसे पागलपन भी कहते हैं, पता है आपको? पता है। पहले बताता हूँ जूम शो पे आज तक हुआ क्या। मेरा ये 9वां शो है, मेरा मोहित का ये 9वां शो रहा है और हम 9वें शो में क्या बताता हूँ, 9वें शो की बताता हूँ आपको। एक में तो विक्रांत जी थे, आपको दिख रहा है दारू पी के नशे, सबको नशे हो गए। समरो विक्रांत जी आखिरी में एक बोतल लेके ऐसे लोगों पे छिड़क रहे थे, ऐसे ऐसे पूरा पूरा ऐसा था। समझ रहे हो, ऐसे दे दारू वाला गाना पीछे गाना चल रहा था। आज तो गाना नहीं चला रखा है इन्होंने, तो थैंक यू। एक टेडी बियर वाली लड़की मिल गई हमारे को, टेडी बियर वाली, ये अच्छी बात है। एक हमारे पास एक कपल है, बहुत ही प्यारा कपल है, जिन्होंने एक ही ईयरफोन को आपस में शेयर किया हुआ है। ये होता है प्यार, देख रहे हो रेडी पार्था साहब, देख रहे हो पार्था साहब, सिर्फ बैकग्राउंड शेयर करना ही प्यार नहीं होता। ईयरफोन देखो आप, ईयरफोन देखो मैं सर, मतलब ईयरफोन की कमी है या प्यार बहुत है? प्यार बहुत है, प्यार बहुत है, जगह बहुत है तो बाहर ही रख दिया। एक ही ईयरफोन कनेक्ट, इनको देख के ही गाना, इनको देख के ही गाना याद आ रहा है, तुझे ना देखूं तो प्यार मुझे आ, ऐसे मैं लिख के दे रहा हूँ। इनकी शादी की वीडियो देखना, तुम इनकी शादी की वीडियो देखना, ये एक ही फोटो में हाथ के अंदर इनकी 5 फोटो आई होंगी पति की। नहीं नहीं, इसका इसका शादी के फोटो तू देखा तो तू छोड़ जाएगा और तू भी पूछेगा, मेरे को भी मना के दे बोल के मेरे शादी। कर लो, ये कर लो। सर आप बैकग्राउंड पे ध्यान दो बस, आप मैं बाकी शो चला लूंगा। नहीं नहीं, गुड टू हैव यू। किसी ने लिखा है इज देयर एनी पासवर्ड फॉर द मीटिंग, क्या लिख रहा है कोई बंदा नीचे, एक बंदा लिखा है इज देयर एनी पासवर्ड फॉर द मीटिंग, माय ब्रदर इज सपोज्ड टू ज्वाइन दिस एंट्री क्लोज, माय ब्रदर वांट टू ज्वाइन। सर अगर आप एक ही लॉगिन से दोबारा कर रहे होगे तो नहीं होगा।
उस बंदे से बोलो कि बैकग्राउंड चेंज करता रहे बस। वो जूम पे ही बैठे बैठे, जूम पे ही बैठे बैठे 15-20 बैकग्राउंड ले ले और प्रॉब्लम आए तो मैडम है ही हमारे पास। मैडम हेल्प करने के लिए है ही हमारे पास। हमारे पास तो बिल्कुल प्रोफेशनल बैठी हुई है, जूम जूम बैकग्राउंड प्रोफेशनल। देखो अभी ये संजय जी हैं, अपनी शर्ट का खोल के आराम से बैठे हुए हैं। अभी देखो आपको पूरे कमरे का व्यू दे रहे हैं। इनके घर में लाल वो लेंटर डाला हुआ है, लाल रंग के पर्दे हैं, एसी भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, सब दिखाएंगे आपको अपने घर का पूरा बैकग्राउंड। ओ माय गॉड, एब्स पहली बार देखे मैंने, एब्स। ओ भाई क्या हो रहा है पता नहीं, मैंने आप जूम पे पहली बार देख रहे हो, आपने सोचा था कभी भी आप किसी को कपड़े पहनते देखोगे? चलो फाइनली सर बैठ गए सर, काफी अच्छा सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आपने पैंट पहनी हुई है, इसी की खुशी है मुझे आपने बात। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल व्यू। कोई बात नहीं, हरी जी आप में से, हरी आप है ना सर, हरी आप है ना, और वो ओम है, वो ओम है। हरी ओम, अच्छा अच्छा ओम जी, ये बताइए कि आपकी अरेंज मैरिज है लव मैरिज है? अरेंज। वो सर को देख के लगा मुझे प्रॉपर। सही मैम, आपको सर में आज तक एक अच्छी क्वालिटी बताओ क्या अच्छी लगी 10 सालों में, बताओ बस आप एक क्वालिटी। सैलरी। भगवान सिर्फ नाम में है, ध्यान रखना। विक्रांत जी समझ रहे हो आप? हम सब नोएडा के ही हैं। ये है नोएडा बॉयज, नोएडा बॉयज। बट नहीं, गुड सर, गुड। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है सर, मतलब मैम बिल्कुल क्लियर थी अपने कॉन्सेप्ट में। गुड यार, आप लग नहीं रहे। राजेश जी आप भी मैरिड है? राजेश जी हैप्पीली सिंगल अगेन, देख रहे हो? ये कह रहे हैं हैव डन दैट एंड बीन देयर। गुड वन, गुड वन। नहीं सर, वेरी गुड सर, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम जस्ट हैप्पी फॉर यू। बाकी बना आप भी आज बैकग्राउंड चेंज कर रहे होते तो कोई बात नहीं, बट इट्स गुड, गुड, गुड। ये सरनजीत है मुझे लग रहा है, ये तो या तो ये फर्श पे लेटा हुआ है या इसका बैकग्राउंड ऐसा है। सरनजीत क्या करते हो ऐसे बैकग्राउंड के अलावा? एमबीए कर रहे हो, कोई बात नहीं। अगर कभी भी आपको लगे जूम पे आपकी ज्यादा कॉल्स हो रही हैं और आपको बैकग्राउंड चेंज कराना है, so we have a professional person with us anytime anywhere, Lyra. ठीक है, ठीक है, चलो let's move on। ऐसे मैं लोगों से बातें करता रहूंगा। पति पत्नी डिस्कस कर रहे हैं कि आप क्या बैकग्राउंड लगाएं। देख रहे हो पार्था जी आपस में डिस्कस कर रहे हैं अब बैकग्राउंड कौन सा लगाएं, कैसे इन लोगों को आंखों को चकाचौंध कर दें इन लोगों की। कैसे हम अब इनको अपने बैकग्राउंड का दीवाना बना दें। कोई बात नहीं, दोनों को डिसाइड करने दो, ठीक है। एंड हैव यू नोटिस कि कभी तुम्हारी, तुम क्लास के बाहर देख रहे हो और टीचर तुम्हारी बोले कि तुम्हारी मां नाच रही है क्या वहां? हैव यू हर्ड दिस? गवर्नमेंट स्कूल में बोलते हैं। अरे तो मैं एकदम बाहर देख रहा हूँ बैठ के। सर आप स्कूल गए हो? भाई इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पास आउट है भाई, 381 रैंक मारी थी भाई। अरे माय गॉड, तब आपने दारू नहीं पी हुई होगी। चल छोड़ अभी, रहने दे। अरे जाने दे, बहुत किस्से हैं मेरे, बहुत किस्से हैं मेरे। रिद्धि जी की तो हंसी रुक नहीं रही, रिद्धि जी का टेडी बियर का नाक सूज गई है पता है आपको, मार मार के। टेडी बियर पे ऐसे मार मार के हिट कर रही है, उसके नाक देखो लाल से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, देखो आप उसकी। वैसा ही नाक है उसका, खून निकल रहा है पर वो। तुम्हारा जोक सुन के अब लो। बाय गॉड, पता है इस फोटो में देखना मुश्किल हो रहा है कि टेडी बियर है कौन। कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ टेडी बियर इज मोर सोबर। ये भी चलेगा। अरे नहीं, नहीं मजाक कर रहा हूँ दीदी जी, आप और मैं दोस्त हैं किसी और के, ठीक है। टेडी बियर का नाम रख लो आप।
हाँ बताओ विक्रांत जी क्या नाम रख रहे हैं नोएडा में? नाम ही रखते हैं गुज्जू, संजू, संजू, सुरेश, बबलू, बिट्टू, ये नोएडा के पांच छह नाम है, बस यही नाम है इनके पास। बताओ अच्छा नाम बताओ, अच्छा नाम बताओ, पहले ये बताओ इससे टेडी बियर का नाम, टेडी बियर का नाम रख दो भाई, कोई बताएगा नाम, कोई अच्छा नाम बताएगा कोई? टेडी गुज्जर। टेडी गुज्जर, वेरी गुड, टेडी गुज्जर। वो इतना लेम था, सो गया, देख कितना लेम था वो जो के सो गया। रिंकू जी आप कहां से हैं? रिंकू जी मुंबई। ओह माय गॉड, आमची मुंबई। कैसे मैम रिंकू जी, क्या करते हैं वैसे, क्या करते हैं आप? आई एम अ डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। वाओ, देख रहे हो क्लास, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। हाँ तो क्या करें, प्लेसमेंट करवाएं तुम्हारे भाई यहाँ पे हम। सेम पिंच करो, सेम पिंच करो, मुक्का मारो आप एक दूसरे को, सेम पिंच करो। कौन है फिजियोथेरेपिस्ट, कौन है फिजियोथेरेपिस्ट, और कौन था? राखी। अरे राखी जी आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ओके। आप अच्छा, बहुत बहुत वर्किंग, आप नोएडा में दिल्ली में करते हैं, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? No, not interested, ऐसा? पति की सैलरी काफी है? बस वो काफी है। पति मेरे शो ऑफ उठा लेता है, मेरे पेडिक्योर और मैनिक्योर का ध्यान रखता है, और जिस मैंने नहीं करा पाता वो खुद ही कर देता है। वो विम बार लेके रगड़ रहा है पैर, विम बार लेके। बट नहीं, मैं अभी सर आपके पास आऊंगा, मेरे चिंता मत करो, मेरे पास आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो मैं आपके लिए, मतलब आपके लिए स्पेशली, मतलब आपके आपके सपोर्ट में करूंगा मैं, समझ रहे हो, सपोर्ट में। एक सेकंड, कोई बंदा मैसेज कर रहा है, मैं नीचे मैसेज पढ़ लेता हूं किसी के। बिफोर यू गो आई वॉन्ट टू आस्क यू, वेयर डिड यू बाय द ग्लासेस यू वोर अरेंज मैरिज गिग? अच्छा, किसी ने मुझे ग्लासेस, किसी को पसंद है सर। जिसको मैं बता दूं, ये सिफारशी नगमों का कार्यक्रम नहीं है। अंदर मैं गाने गाऊंगा, आपके मनपसंद गाने गाऊंगा। ब्रेथलेस वनिया, हाँ वनिया, आपने सुना है वो था ना पहले, वो कौन थे? अमीन सियानी जी। हाँ भाई और बहनों, मैं हूँ अमीन सियानी, और मैं हूँ बहुत ही सियाना, पर आप मुझे सुन पा रहे हैं 93.5 FM पे। ये गाने की फरमाइश की है टेडी, मुझे टेडी पसंद है रिधि तिवारी जी ने, ये टीडी, ये रिधि तिवारी जी की अरदास आई है मेरे पास। अमन टेडी पे फोकस नहीं, कि टेडी की बेइज्जती हो रही है उस पे फोकस नहीं है इनका। Why do you hate my teddy bear? He's so cute. Ooh. How can you know to this face? आप जैसे लोगों जो आर्ची को चला रहे हो, पता है? आप जैसे लोग कुछ नहीं दिया हो, नहीं ये आज भी किसी का उठाया हुआ टेडी बियर नहीं लेती। नहीं सर, नहीं विक्रांत जी, नहीं एक्चुअली मुझे टेडी बियर पहले से इतने पसंद है, तो मुझे ऐसा खुद खर्चा करके लाने का ज्यादा अच्छा लगता है, गिफ्ट ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यू नो अभी टाइम ऐसा हो गया है कि कोई गिफ्ट भी दे देगा ना, तो आफ्टर अ मोमेंट, आफ्टर अ सम टाइम दे विल बी लाइक, अरे मैंने ये किया था ना, तो आई वाज लाइक तू ही रख ले। ये आपको जो मैं सिर्फ आपसे दीदी जी एक बस एक दो लाइनें बोलना चाहता हूँ, जो आपने ये अल्प आयु में ज्ञान प्राप्त किया है अल्पायु मतलब कुछ लोग ही समझ पाएंगे हिंदी वर्ड का मीनिंग, समझ गए, कहाँ से प्राप्त हुआ ये आपको अल्पायु, मतलब गौतम बुद्ध के बाद शायद आप ही हैं शायद, मुझे लग रहा है। जितना एकदम से आपने एनलाइटनमेंट हो गया, आपको सबको पता कि बहुत अच्छी बात है, आपका अल्प आयु में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है इससे समाज में बांटिए, बहुत मेहरबानी आपकी। I am a motivator speaker, by the way. I do that. हम सब मोटिवेट हो रहे हैं। कुछ लोग मुझे प्राइवेटली लिख रहे हैं कि इनको हटाने का क्या लोगे। It's fine, ma'am, man, fine. But नहीं, you are a motivation speaker. किस तरह टेडी बियर को मोटिवेट करते हो, क्या करते हो? Oh God. No. मैं बता रहा हूँ, अब जिस दिन आप टेडी बियर में जान डाल दोगे ना, उस दिन मानूंगा मैं आपको मोटिवेशन स्पीकर। Not like that. Well said. I'm more into suicidal awareness.
ठीक है, अब मैं देखो, अब मैं शो करता हूँ, देखो ये शो चलता रहेगा घंटों, तुम रात में चाय वाय मंगा लोगे बैठ जाओगे, और राखी जी को काम है, राखी जी को काम भी है, अपने बच्चों को देखना है उनको, वो मुझे मैसेज करके नीचे लिख रही है कि शो आगे बढ़ाओ, ये फालतू की बकवास बंद करो, समझ रहे हो, उनका पति लिख के दे रहा है कि मुझे बर्तन भी धोने, भाई मैंने बर्तन गीले करके रखे हैं, धोने भी हैं। हाँ चलो आगे आगे बढ़ने दो शो को, ठीक है, मतलब विक्रांत जी की वाइफ देख रही होगी कि मेरे पति दो बार देख चुका है शो, उनको लगा होगा अच्छा शो हो रहा होगा, ये कैसी कैसी बातों पे हंस रहे हैं हम लोग। उनकी वाइफ, अरे वाइफ की बात करो, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, मैं आपकी वाइफ को दे रहा हूँ, आपको मिल चुकी है इम्पोर्टेंस। मैम आपका नाम क्या, आपका नाम क्या मैम आपका? पूनम। पूनम, पूनम जी ठीक है, पूनम, पूनम जी कैसे झेलते हो आप इनको? इंसान तो एक नंबर है भाई, इंसान तो एक नंबर है, ये तो मानता हूँ मैं। सर खुश हो रहे हैं, कह रहे आंख मार रहे हैं मुझे, कह रहे बोलते जाओ एक दो लाइन और। चलो ठीक है, मैं ऐसे ऐसे फरमाइशों का कार्यक्रम नहीं ले रहा मैं आगे। जी हाँ भाइयों और बहनों, चलो ठीक, ऐसे ये हमने पूरा माहौल बना लिया, हमारा पूरा परिवार बैठा हुआ है। आपको बता दूं, कभी जिंदगी में आपको भगवान की दुआ से आपका बैकग्राउंड बहुत प्यारा है, बट कभी भी बैकग्राउंड चेंज करने का मन हो आपका तो ऊपर दो प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, प्रोफेशनल पति पत्नी, समझ रहे हो? नहीं कोई बात नहीं, आपकी पत्नी ने जिस कॉन्फिडेंस से बोला था बैटमैन बन के कि मैं जानती हूँ जूम, क्या मतलब इन्होंने पता कैसे बोला था, आई नो एवरीथिंग अबाउट जूम, ऐसे जूम जेड से बनाया था, हाँ से जूम बनाया जेड। अब मुझे लगा भाई कॉन्फिडेंस है, मतलब जेड ऐसे जूम, कह रही मुझे पता है जूम के बारे में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आप बहुत ही अच्छे हो, बट काफी अच्छा। हाँ चलो मुझे, मैं कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें कहानी सुना दो मुझे अभी, ठीक है, मैं पूरे मूड में आ गया हूँ कहानी के। राखी जी बीच में अभी नहीं बोलना, ठीक है, आपको मम्मी कसम है आपको। शिव कहाँ से हो आप? गुजरात। अरे मैन, गुजरात में मतलब गुजरात, पूरा ही गुजरात कवर करते हो या कुछ पर्टिकुलर जगह भी रखी है? पूरा गुजरात आ जाता है मेरे दिल में। मैं सर ये पूछा जाता हूँ कि उसमें टेडी बियर आ जाएगा? वो नहीं आएगा भाई, उसे हम निकाल देंगे। एक कोई भाई कौन ठोक रहा है, कौन ठोक रहा है भाई पीछे? कौन ठोक रहा है भाई, कुछ ठोक रहा है कुछ भाई पीछे? हंस रहा होगा कोई, मे बी। नहीं नहीं यार, वो ठक ठक की आवाज आ रही है, ऐसे कोई नहीं खासता, ठक ठक ठक। ये कैसी बात हुई, ठक 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 ठाकता कोई? ठीक है, टेडी बियर के भी गाल दबा दो। मतलब आई डोंट, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि रूम पे भी इतना मजा आता है, मुझे बड़ा मजा आया। हम लोग ऑलमोस्ट मैं करीबन 2 घंटे से ऊपर कर चुका हूँ, बाकी अभी 11:50 हो रहे हैं, 11:50 हो रहे हैं, 11:50, हाँ काफी लंबा टाइम है, तो बस मेरे सारे शो ऐसे चलते हैं, लंबे लंबे चलते हैं तो चलते रहते हैं, तो ठीक है। बाय दिस आई जस्ट गोना एंड, एंड यू बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, अपने दोस्तों को बता दो, किसी को गिफ्ट कर दो। पार्था जी, अपने जो भी आपको फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ ने गिफ्ट दिया है आपको, प्लीज उनको बोलना थैंक यू, और उनको बोला टिकट ले ले मेरे दोबारा से। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, अमेजिंग शो, अमेजिंग।